हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाने वाले हैं वाटरमेलन आइसक्रीम। ये फरमाइश जो है मेरे छोटे मोटे किड्स की है, जो कि बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे। हर जगह पर जहां पर भी जाते थे वाटरमेलन आइसक्रीम का ज़रूर पूछते थे, लेकिन मायूसी होती थी, वाटरमेलन आइसक्रीम कहीं मिल नहीं रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पर ट्राई किया जाए, वाटरमेलन का सीज़न भी है तो क्यों ना उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है ना एक बड़ा सा पीस वाटरमेलन का ले लिया था, बड़ा मीठा सा तरबूज था, तो उसके जो है ना मैंने क्यूब्स में कटिंग करके उसके सारे बीज जो है ना वो पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब जो है आप हैंड ब्लेंडर में ऐसा ऐसा कर कर ये वाटरमेलन जो है वो डाल रहे हैं, और फिर जो है देखते हैं आगे क्या करते हैं हम लोग। मोहम्मद ने तमाम के तमाम मेलन्स जो है इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जामेश्वरी ऐड करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो जामेश्वरी ऐड करो, वरना स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए मैं जो है इसके अंदर जामेश्वरी का ऐड अप कर रही हूँ। तो आसाब ने जामेश्वरी इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं ना, इसलिए थोड़ी सी मैंने 2 से 3 चम्मच जो है छोटे छोटे वाले शुगर का इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके बच्चे इतना ज़्यादा शुगर पसंद नहीं करते तो आप जो है इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं ज़्यादा रूह अफ़ज़ा डालकर, ठीक है। नाउ अब तमाम वाटरमेलन्स को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाएगा, क्योंकि वाटरमेलन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको अच्छे से ब्लेंड करने में। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो आपने इसको पहले छानना है। आप चाहो तो इसकी आइसक्रीम ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छी वाली थोड़ी सी क्वालिटी वाली आइसक्रीम खानी है ना, तो आप बेहतर है कि इसको छान लो। अब आपने इसको ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे मैक्सिमम रेफ्रिजरेट लाजमी करना है, ताकि अच्छे से हमारी आइसक्रीम जो है वो फ्रीज़ हो जाए। नाउ ओवरनाइट रेफ्रिजरेट करने के बाद हमारी आइसक्रीम जो है वो बनकर तैयार है। बहुत ही अमेजिंग सा इसका टेक्सचर है, आप लोग देख सकते हो, रेड रेड कलर की आइसक्रीम है। जितनी ये आइसक्रीम जो है इसका टेक्सचर मज़ेदार है, उतनी ही ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो आप मोहम्मद एंड आह जो है अपनी आइसक्रीम जो है ले रहे हैं और इन्जॉय करके इसको खा रहे हैं। अब इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनको ये आइसक्रीम कैसी लगी। ये देखिए, मजे ले लेकर ये दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। मजे की आइसक्रीम है, बताओ कैसी आइसक्रीम है। यस भाई, यार मजे की तो गाइस रिव्यूज़ तो आप लोगों ने सुन ही लिए होंगे। जब आप ये आइसक्रीम ट्राई करोगे तो आपके बच्चों को भी यकीनन ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा, और साथ साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त।